सुखबीर बादल का वड्डा बयान, बजट नूं किसान विरोधी दस्या, सिर्फ ड्रामेबाजी करार दिता इस बजट नूं और कहा कि यह सारा बजट किसान विरोधी है, बजट नूं किसान विरोधी दस्या। बजट हो या पेपर बजट हो, आम जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कि क्या बजट में पेश किया जाता है। जो पेश किया जा रहा है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये डिजिटल बजट क्या क्या ड्रामा का फायदा है। किसान सड़कों पे हैं, सरकार किसान अपनी जान दे रहे हैं, लाखों किसानों ने अपनी जान दे दी और सेंटर सरकार कोई बात ही नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दे रही। आज देखो देश के कोने कोने के किसान आए हैं और ये चाहते हैं देश के लोग कि बारी पार्लियामेंट में, किसान चाहते हैं कि पार्लियामेंट सब कुछ काम छोड़कर, सारी पार्टीज को मैं अपील करता हूँ, हम एक मंच में हों और ये किसानी की बात करें। ये जो किसान यहाँ बैठे हैं उनके इंसाफ की बात करें। अगर हम इकट्ठे होंगे, बड़ा अफसोस है कि मैंने कई पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी उनसे बात की और वो चुप थे। आज मैं उनको भी फिर से अपील करता हूँ, ये लड़ाई पूरे देश की किसानों की है, ये अकेले किसी पार्टी की या किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। सदन चलने की बात नहीं है। आप जो वहाँ बैठे हैं, जो किसान सर्दी में बैठे हैं, जिनकी कई लोगों की जानें चली गई हैं, क्या उनको वहीं बैठने दोगे? क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उनसे मिल नहीं सकते? क्या उनके मंत्री जाके उनसे बात कर उनके फैसला नहीं कर सकते? छोटी चीज चाहते हैं कि देश के किसान नहीं चाहते ये कानून। और आपने देखा है एक भी किसान ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून का सपोर्ट नहीं किया। ये साफ तौर पर सुखबीर बादल दे वल्लों विरोध किया गया और इस किसान विरोधी दस्या गया। और वड्डी खबर यह भी है कि सुखबीर बादल के अलावा भगवंत मान भी विरोध करते नजर आए ने। सो विरोधी इस बजट का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वड्डी खबर इस वेले की बजट पेश हो चुकी है, पर उस तो बाद ये विरोध आने शुरू हो चुके हैं। कुल मिला के किसान विरोधी दस्या गया है। समस्यावां पहलां किसानां दीआं हल कीतीआं जाण, सब तो वड्डा मसला इस वेले जो बढ़िया हुआ है। सो बजट नूं किसान विरोधी करार दिता है। बजट नूं लैके सुखबीर बादल दा ये वड्डा बयान, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मुलाकात हो सकती, पीएम नरेंद्र मोदी जाके मुलाकात क्यों नहीं कर सकते किसानां दे नाल। इससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बजट पेश किया गया पर किसानों को कोई राहत इतने नहीं है। किसान विरोधी ये बजट है। भगवंत मान ने भी बजट का विरोध किया। इस वेले की वड्डी खबर है भी भगवंत मान ने भी बजट का विरोध किया है। दस दें कि बजट पेश किया गया। सरकार ने यह कहेंगे कि बजट बाद पेश कर लो, पहला तिने खेती के जो काले कानून ने उन्होंने वापस करो, उन्होंने वापस लो MSP की गरंटी दे, क्योंकि बजट के फिर उही पूंजीपतियों छोटा होनगियां, उन्होंने लखा करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए जाएंगे, वेव ऑफ किए जाएंगे, उन्होंने सहूलत दी जाएगी। किसान तो इस बजट के कित होना ही नहीं। सो एक होर गल जी जिद वास्ते मैं थोनों अज वीडियो राही दस लग्या, ये लिस्ट ऑफ बिजनेस है कि जिड़े जिड़े बिल इस बार बजट सैशन पेश किए जाएंगे। आ जे दो हरे रंग के मैं जे हाईलाइट किए हैं, टोटल 30 बिल पेश किए जाएंगे। ये पहला बिल उ है जोड़ा पराली वाला, तो 29वां बिल वो है इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। मतलब यह उ दो बिल ने जिन्हों बारे किसानों ने गल की कि नहीं पेश करा, पर लिस्ट ऑफ बिजनेस जी है इस बजट सैशन की दोनों बिल आ रहे हैं। एक पहले नंबर पर है, एक 29वें नंबर पर है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को दसा ये अंदोलन खत्म नहीं होया। कुछ जो ये अंदोलन के विघन पाने की कोशिश की गई सी वो तो घबराना नहीं, पहुंचो जिथे जिथे भी जा सकते हो, अंदोलन का साथ दो, जिमें भी दे सकते हो अंदोलन का साथ दो। असी भी अंदर जाके ये गल करनी है कि सरकार जी बार वादा कुछ होर करती है। एक महीना पहला तो एक महीने बाद लिस्ट ऑफ बिजनेस आते हैं, तो दोनों बिल पराली वाला तो बिजली वाला ये जड़े ने। साफ तौर पर विरोध किया गया। भगवंत मान और वालों भी सुखबीर बादल ने भी विरोध किया है।